कर सब रेडी है क्या? एक मिनट कर, होल्ड होल्ड, अभी इधर आ जाओ यार, दो सर। आज योग दिवस है, आप खुद सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचे हैं, सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा, सैकड़ों लोग आपके साथ आज पूरा सेशन एक घंटे का चला? अद्भुत, शांति और आनंद देने वाला योग, स्वस्थ सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुँचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सके। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो जरूर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश। एक आखिरी सवाल सर, पीएम कश्मीर में हजारों लोग डल लेक के पास आज योग कर रहे हैं, इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? कश्मीर भारत का गर्व है, गौरव है और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि आज कश्मीर में शांति है, जनजीवन सामान्य है और प्रधानमंत्री जी स्वयं डल झील के किनारे हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। ये एक संदेश है शांति का, प्रेम का, सद्भाव का और भारत की एकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।